नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले डिबेट शो तालटोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या देश में महिला सुरक्षा का वादा सिर्फ दिखावा है? क्या आपकी हमारी बेटियों की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला कोई भी नहीं है इस देश में? दिल्ली में एक लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद एक लड़की क्यों न जाने कितनी लड़कियों को इस लड़के ने सरेआम मोलेस्ट किया है, बकायदा उसका वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद आज हमने तालटोक के यही सवाल उठाने का फैसला किया। ये वीडियो भारत के महंगे इलाकों में से एक, देश की राजधानी दिल्ली के सेंटर कनॉट प्लेस का है, दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस का है। वो कनॉट प्लेस जहां से देश की संसद सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है, पुलिस हेडक्वार्टर की दूरी महज 3.5 किलोमीटर दूर है। कनॉट प्लेस में जहां 24 घंटे दर्जनों पुलिस वाले आपकी और हमारी हिफाजत के दावों पर तैनात रहते हैं, वहां एक मंचला एक एक करके कई लड़कियों से बदसुलूकी करता है, वो भी इसलिए ताकि लड़कियों से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल सके और उसे शोहरत मिल सके। दिल्ली पुलिस के लिए इससे शर्मसार या शर्मनाक और क्या हो सकता है कि एक मंचला बड़े आराम से लड़कियों को छेड़ता है, उनके साथ लोग मौजूद होते उसके बावजूद छेड़ता है, वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और सोशल मीडिया पर उसकी हरकत पर जबरदस्त गुस्सा होने के बाद डिलीट करके गायब हो जाता है, खुद माफी मांगकर वीडियो डिलीट कर देता है। इस बीच कई दिन गुजर जाते हैं और पुलिस को पता ही नहीं चलता कहां रह रहे हैं और कैसे कह सकते हैं कि हम महफूज हैं। कनॉट प्लेस में लड़कियों से छेड़छाड़ का यह वीडियो ऐसे में सामने आया है जब बेंगलुरु और दिल्ली के मुखर्जी नगर के लड़कियों के सम्मान को सरेआम नेस्त नाबूद करने की कोशिश की गई है। बेंगलुरु में भी पुलिस को छेड़छाड़ की वारदात का पता कब चला? जब देश की मीडिया में उस पर बहस हुई। अब सवाल साहब एक सीधा सा आज की तारीख में यह है कि महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ करने वालों को हौसला मिलता कहां से है? क्यों उन्हें यह भरोसा हो गया है कि वो कुछ भी कर गुजरेंगे, पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाएगी? ऐसे लोगों को यह भरोसा क्या खुद पुलिस ने दिलाया है और क्या इसके लिए जिम्मेदार है पुलिस या महिला सुरक्षा पर झूठे सियासी नारे देने वाली पार्टियां जिसकी वजह से अपराधियों की पोबारा हो रही है? आज इस डिबेट में तमाम महिलाएं, अलग अलग पार्टी से ताल्लुक रखने वाली, अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखने वाली हमारे साथ जुड़ी हैं। इन सवालों का तलाश एक बार फिर से शुरू करनी होगी, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने। जगह कनॉट प्लेस दिल्ली। महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ की पहली वारदात। एक मिनट चाहिए था आपका। जस्ट आई एम सॉरी। महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ की दूसरी वारदात। महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ की तीसरी वारदात। अपोलोजाइज यार, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। एंड आई एम रियली सॉरी यार, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस। मैं मेक श्योर करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा कोई कंटेंट नहीं आएगा जिससे लगे कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ किसी को। जो मोलेस्टेशन हो रहा है गर्ल्स के साथ, ये एक सीरियस क्राइम है, इसको जोक बना दिया गया है, तो इन लोगों के अगेंस्ट, मतलब इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए। कुछ एक्शंस हो तो आई थिंक सो कुछ होना चाहिए। वो बंदा या तो उसको कोई फिक्र नहीं है कि उसकी फैमिली भी देख रहे हैं, हर कोई इंसान, हर मतलब उसके 1 लाख फॉलोअर्स है मैंने देखा है, तो हर कोई इंसान देख रहा है, उसके मॉम डैड देख रहे होंगे, क्या उसको इस चीज़ का वो नहीं है कि उसके घर वाले क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? सो आई थिंक सो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। हम सहते भी हैं और हमारे ऊपर फिर मजाक भी उड़ाया जाता है, ये कहाँ का कानून हुआ? रात को मेरा बेटा अगर 11 बजे घर लौट के आ रहा है
तो माँ बाप को बेटे से पूछना चाहिए, 11 बजे तक कहाँ लेट हो गया तू? बेटी 1 घंटा बेचारी लेट हो गई, कहीं बस में जाम में फंस गई तो माँ उस पर चिंतित होकर पूछेगी, पिता पूछेगा अभी तक कहाँ थी तू? तो हमें ये अपनी मानसिकता जो सुधारनी पड़ेगी, समाज के लोगों को भी जागृति लानी पड़ेगी। महिला अत्याचार केवल एक स्लोगन या केवल एक चुनावी मुद्दा बन के ना रहे, इसका प्रयास पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए। ताल ठोक के पहला सवाल, महिलाओं के सम्मान से छेड़छाड़ का लाइसेंस कब तक? ताल ठोक के दूसरा सवाल, कौन देता है महिलाओं से मनमानी का लाइसेंस? ताल ठोक के तीसरा सवाल, सियासी दलों के लिए कब होगा महिला सुरक्षा पहला एजेंडा? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या झूठे सियासी नारों से है महिला अपराधों की पौबारा? रंजीत रंजन साहिबा सांसद है कांग्रेस की, बिहार सुपौल से कांग्रेस सांसद है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नुपुर शर्मा साहब नेता है बीजेपी की, 2008 और 2009 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM किया है। जूही सिंह साहब हमारे साथ हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, यूपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स चिल्ड्रन राइट्स की चेयरपर्सन है। मैम आपका भी स्वागत है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट है। मोनिका अरोड़ा साहिबा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, 1993 से लेकर 94 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट रह चुकी है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजू राज जहां से ये वीडियो शूट किया गया, इस लड़के का जो लड़कियों को सरेआम मोलेस्ट कर रहा है, इसे ये नाम देता है प्रैंक, लेकिन ये प्रैंक नहीं है, ये वारदात है। आपने लड़कियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, इसीलिए हम इसे प्रैंक किसी कीमत पर नहीं कहेंगे। वहीं पर मौजूद है हमारे संवाददाता राजू राज, जरा उनका रुख करते हैं। राजू, बहुत सारी क्राइम की रिपोर्ट्स आप कवर करते हैं, आज आपके साथ तादाद में लोग मौजूद हैं, ये वो जगह है जो सेंटर है, मरकज है, देश की राजधानी दिल्ली का मरकज है, यहाँ पे कोई भी सरेआम में घूम रही हूँ और मुझे किस करके चला जाएगा, उसे ये हिम्मत मिलती कहां से है? रूबिका, ये एक बड़ा सवाल है दिल्ली के लिए, देश की राजधानी जहां पर सेंटर है ये पूरे दिल्ली का, और वहां पर ऐसी घटनाएं घटती है और उसे एक नाम दिया जाता है प्रैंक का, यानी मजाक का नाम दिया जाता है। हालांकि ये खबर मीडिया के द्वारा पुलिस के पास पहुंची, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा जताया और पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ दिल्ली वाले हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे पहले उनकी राय लेते हैं कि उनकी नज़र में ये क्या है। मैम, एक वीडियो सामने आता है, लड़कियों के साथ मजाक किया जाता है, छेड़छाड़ किया जाता है और उसे प्रैंक का नाम देकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है, कहीं ना कहीं महिलाओं और लड़कियों के सम्मान के साथ मजाक किया जा रहा है ऐसे वीडियो के साथ। इट्स रियली बैड सेंस कि मतलब किसी लड़की की इज्जत तुम कैसे उतार सकते हो, मतलब जब तुम्हारे पास तुम्हारी खुद माँ बहन तुम्हारे घर पर है। इट्स रियली बैड अकॉर्डिंग टू मी। ऐसे हमारे साथ कुछ और इनसे आप बताइए कि कनॉट प्लेस में ही लड़कियां जाती है, सरेआम उसके साथ मोलेस्टेशन होता है और उसे प्रैंक का नाम दिया जाता है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? आपकी नज़र में क्या पहली रिएक्शन आपका? सी, पुलिस के पास ऑब्वियसली बात है, पुलिस के पास जाना चाहिए। एंड द थिंग इज, प्रैंक मजाक होता है बट तुम मजाक के साथ इतना बड़े लेवल का मजाक नहीं कर सकते ना यार। फ्रेंड्स के साथ अलग होता है मजाक, लेकिन अगर तुम नॉर्मली किसी भी रैंडम गाय के पास या गर्ल के पास जाके तुम किस एंड ऑल ये करते हो, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स इज जस्ट व्हाट कैन आई से। पुलिस के पास जाओ, स्टेट अवे, इसको अपने साइबर सेल में जाओ। महिलाओं की सुरक्षा काफी अहम है राजधानी दिल्ली की, अक्सर ऐसी घटनाएं घटती है, क्या ऐसे चीजों को इस वीडियो के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, एवरीबॉडी विल डू ना, ऐसे अगर होता रहा तो कौन चुप रहेगा? स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो सब ऐसी वीडियोस डालेंगे, सोशल मीडिया पे अपलोड होंगी, लड़कियों की इज्जत लुटेगी। मतलब लोग ऐसा कर कैसे सकते, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सीरियसली। प्रैंक आप रूबिका ये स्टूडेंट है, कनॉट प्लेस आती है अपने काम से और ये इनका रिएक्शन आप सुन सकते हैं, कितना गुस्सा है, नाराजगी है इन लोगों में ऐसे वीडियो के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ, और शॉक्ड है, उनको शब्द नहीं मिल रहे हैं। राजू राज, जितना एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं समझ पा रही हूँ, वो बार बार ये कह रही है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है, हमारे ही समाज में हो रहा है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी मैम, आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है,
हमने न जाने कितनी 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 बहस इस पर कर ली है। आज कुछ रटा रटाया ना चले, आज कुछ अलग कर दिया जाए, आज इस बात को साबित कर दिया जाए कि हम ही हैं जो बदलाव लाएंगे और लाकर रहेंगे। डेढ़ डेढ़ मिनट शुरुआत में आप सबको मिलेगा और उसके बाद एक एक मिनट मिलेगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी नुपुर आपसे। पुलिस सरकार के अंडर में है, देश की राजधानी दिल्ली की। कौन इनको इतना हक दे देता है कि कुछ भी करके चले जाए? नुपुर, मुझे याद है जब दिल्ली के इलेक्शंस हो रहे थे, आप खुद इस तरीके की एक एक इंसिडेंट से गुजरी हैं, आप खुद परेशान थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग नुपुर। यू राइट। मैं एक बात साफ कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमारा कानून, हमारा संविधान और हमारी सरकार और भला इसमें ही है हमारे नेताओं का कि वो इसमें अपनी, कुछ लोग जो बेहूदगी वाली टिप्पणी कर देते हैं ऐसी वारदातों के बाद, वो चुप रहे तो उनके भलाई में रहेगा। ऐसे मामलों में बिल्कुल भी ना कानून, ना सरकार, ना जुडिशरी, ना कचहरी किसी को राइट देती है, किसी मर्द को ये राइट देती है। ये किसी का हक नहीं है कि आप किसी को जाके छू लें। ये कहीं हमारे संविधान और कानून में नहीं लिखा है, ये कहीं हमारे कानून और संविधान में नहीं लिखा है कि किसी के पास ये हक है कि बिना किसी की परमिशन के उसको हाथ भी लगाया जाए। ये चीज़ मानसिकता की आ जाती है। मैं इतना कहना चाहती हूँ यहाँ पे बैठ के, मैं किसी को एब्जॉल्व नहीं करूँगी, दिल्ली पुलिस को नहीं करूँगी, बैंगलोर पुलिस को नहीं करूँगी, किसी सरकार को नहीं करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे अगर जिम्मेदारी बांधना चाहूँगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस लड़के के, मेरे को जवान सा लड़का दिख रहा है ये जो वीडियो आपने दिखाया, इस लड़के की क्या अपब्रिंगिंग है कि उसको लगा कि किसी भी लड़की के गाल पे किस करके वो जा सकता है, इसको किसने यह हक दिया? और मैं इस बात, इस मुद्दे पे मैं एक बात उठाना चाहती हूँ रूबिका जी, कि हम यहाँ पे सब औरतें महिला बैठी हैं, इसको ये सीख क्यों नहीं मिली कि किसी औरत को उसकी परमिशन के बिना छूना गैर कानूनी अपराध है, और ये इस हद को, इस लक्ष्मण रेखा को पार ना ही करे तो ही इसके बेहतरी में है। ये हक कहां से आया? ये मेंटालिटी के भैया खुलेआम घूमते रहो, क्योंकि बैंगलोर में भी आप, नुपुर आपकी आवाज़ अब रुक जाएगी, ये बजर जैसे ही बजता है आप लोगों की आवाज़ कम हो जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपब्रिंगिंग पर ये दोष मढ़ देना आज की तारीख में जायज़ नहीं होगा नुपुर, बिल्कुल नहीं होगा। पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? कानून का खौफ क्यों नहीं है? अब मैं आगे जाऊंगी। रंजीत रंजन साहब, आपके पास डेढ़ मिनट है, अपनी बात रख लीजिए। देखिए, अभी मैं नुपुर जी की बातों को सुन रही थी, मैक्सिमम बातों से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। सबसे अच्छी बात रूबी जी आपकी भी ये लगी मुझे कि इसमें ना कानून, ना आपका जुडिशरी, ना जनप्रतिनिधि, ना पॉलिटिकल पार्टी, हमें तय करना है कि हमें कैसे जीना है और कैसे रहना चाहिए, कौन हमें छुएगा, कौन नहीं छुएगा। अभी आप कैनॉट प्लेस का वो दिखा रहे थे, तो एक बच्ची से आपने पूछा और उस बच्ची ने ये बोला कि भाई आप ऐसे इज्जत नहीं उतार सकते। सबसे पहले तो हम महिलाओं को, हम जो बच्चियां हैं, जो भी यंगस्टर हैं, लेकिन लड़कियां हैं, उनको ये सोच बदलनी पड़ेगी कि अगर कोई इस तरह के अपवाद को करता है तो इज्जत उसकी उतरती है, हमारी नहीं उतरी है, उस लड़की की नहीं उतरी है जिसके साथ ये वाकया वो करके गया। सबसे पहले हम इंडियन, किसी का रेप होता है तो लड़के को बाद में देखते हैं, हाय उस लड़की का क्या होगा, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। सबसे अहम पार्ट, और जो समाज हमारा इतना कंजर्वेटिव है, सबसे पहले हमें ये चेंज करना है कि भाई लड़की का क्या दोष? अगर प्रैंक के नाम पर कोई लड़का उसको किस करके गया तो क्या लड़की का क्या गया? कुछ नहीं गया। पहले हम महिलाओं को, आप सपोज उसकी मदर शायद ये बोल रही होगी भाई टीवी में क्यों दिखाया, अरे लड़की आ गई होगी, वो उसको किस कर रहा है। लड़के, अब लड़के वाले को ये फिक्र नहीं होगा कि लड़का किसी को किस, आप कह रहे हैं जेंडर बायस है, हम परवरिश में भी जेंडर बायस है, ठीक है, समझ में आता है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जूही जी, आपके पास भी डेढ़ मिनट, अपनी बात रख दीजिए। इस इंसिडेंट को, बैंगलोर के इंसिडेंट को, यूपी में जो इंसिडेंट हुआ उसे, रंजीत जी मैं आपको बता दूं कि बजर बजते ही आवाज कम हो जाती है, फिर नहीं सुन पाते हैं हम आपको। जूही जी, जुबिका जी, ऐसा है कि हमारे, जैसा कहा गया कि कानून, संविधान
किसी में ये प्रोविजन नहीं है कि इस तरह की हरकत कोई भी लड़का कर सके, लेकिन शायद हम भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर उस बच्ची के साथ ये हरकत हुई तो हमें भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, जो आपने कहा कि सियासत में आए हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो महिला सुरक्षा का मुद्दा क्यों नहीं हमारे लिए अहम है और क्यों हम आवाज़ नहीं उठाते हैं? हम तो सब सारे कानून के जानकार हैं। इस तरह की बात पर हमारी चुप्पी बहुत कुछ कहती है और हम लोग भी अपनी पार्टीज़ को या अपने सियासत नफा नुकसान को देकर कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यहाँ सब महिलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं। मीडिया ज़रूर मैंने देखा है कि बहुत पुरजोर तरीके से कम महिला सुरक्षा के मुद्दों को उठा रहा है। हमें भी बोलना चाहिए, हमें विरोध दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि ये प्रैंक नहीं है। ऐसे ही कई प्रैंक पर अगर हम चुप्पी साथ जाएंगे तो ये प्रैंक चलकर ही आगे बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का रूप ले लेते हैं। हमने देखा है कि अक्सर रेप्स जो होते हैं वो जानकार लोग ही करते हैं, घर में मोलेस्टेशंस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, सबको ये बात पता है। लेकिन ज़रूरी है कि महिलाएं अक्रॉस पार्टीज एक कंसेंसस इमर्ज और हम सब बोलें, चाहे हमारे कम से कम प्रतिरोध तो दर्ज कराएं। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पार्टी का व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना बयान, एक जनप्रतिनिधि अगर कोई गैर जिम्मेदाराना बयान किसी भी मुद्दे पर देता है और हमारी पार्टी को भी बिलोंग होता है, तो ज़रूरी है कि हम पब्लिक डोमेन में उसकी निंदा करें। महिला सुरक्षा ये बहुत बढ़िया बात की है जूही जी, मैं इसी बात को अभी आगे ले जाने वाली हूँ, लेकिन 1.5 मिनट जो है मैं अपनी मेहमान मोनिका अरोड़ा जी को भी दूंगी, सोशल एक्टिविस्ट है। मोनिका जी सच बताइएगा, मुझे लगता है 3-4 साल हो गए हैं इस पर न जाने मैं और आप कितनी दफ़ा ऐसे डिबेट करने बैठे होंगे, वही रटे रटाए मेरे सवाल होते हैं, वही रटे रटाए मोनिका जी आपके जवाब होते हैं, बाकी सारे जो पैनलिस्ट होते हैं उनके जवाब होते हैं, और फिर हम इंतज़ार करते हैं एक और ऐसा कौन सा डिबेट होने वाला है जब किसी लड़की का रेप हो जाएगा, जब किसी मासूम बच्ची की आबरू जो है उसके साथ खिलवाड़ हो जाएगा, फिर हम वही सवाल पूछेंगे, मैं थोड़ा गुस्सा दिखा दूंगी, बात ख़त्म हो जाएगी। रुबिया जी, ये लड़ाई माइंडसेट से है, मानसिकता से है। बैंगलोर में लड़की अकेली थी, तन्हा थी, घर से बाहर थी, पब या बाहर में कहीं दिखती है, सिगरेट या शराब पीती है, तंग छोटे कपड़े पहनती है, तो वो ना नहीं बोल सकती, बोलती है तो बर्दाश्त नहीं होगा, जानवर बन जाएंगे, जबरदस्ती करेंगे। कनॉट प्लेस में वही मानसिकता, पढ़ा लिखा लड़का, मिडिल क्लास का लड़का, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब चैनल पर, माइंडसेट कितना परवर्टेड है, अपराध करता है स्टॉकिंग का, पीछा करने का, ताक झांकता, आउटेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन का, उसको ध्यान आता है कि लड़की तो है, मजाक तो चल सकता है। जो लाइसेंस हमें मिल गया है ना लड़की को वस्तु समझने का, लड़की ना नहीं बोल सकती, लड़की के साथ मजाक करने का, इस मानसिकता से लड़ाई है। मुझे ध्यान आता है अबू आजमी जी ने कहा कि शक्कर होगी चींटी तो आएगी ही, पेट्रोल होगा आग तो लगेगी ही, और ये इनके जो अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने कहा था कि लड़के हैं, छोटी मोटी दुराचार बलात्कार की घटनाएं तो होती रहती हैं, और विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं होना चाहिए वरना यंग पार्लियामेंटेरियन सीटियां बजाएंगे अक्रॉस पार्टी लाइंस। लड़ना है इस मानसिकता से, और मानसिकता केवल एक देश की नहीं होती, दुनिया की होती है औरतों के प्रति, सोसाइटी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब जो मुद्दा उठा दिया है जूही जी आप, नहीं मैं उसी मुद्दे को ले जा रही हूँ। आप गई मुलायम सिंह यादव के पास जब उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया कि लड़कों की क्या गलती होती है, आप गई, आपने फोन किया अबू आजमी साहब को और ये कहा कि साहब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती हूँ, इस तरीके की पार्टी में नहीं रह सकती हूँ मैं, या आपने इस तरीके की कोई आवाज उठाने की कोशिश की कि इन लोगों की हिम्मत ना हो सके हमारे बारे में कुछ भी कह देने की? जूही जी दिल पर हाथ रखकर 1 मिनट आपके पास, बताइएगा सच्चाई से। हाँ जुबिका जी, मेरे इन सारे स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट मेरे बयान ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं, और अबू आजमी साहब का कल का बयान या मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो बयान को कोट किया जा रहा है उसके खिलाफ भी नहीं, मैंने पब्लिक डोमेन में बयान दिया है, उनके बिहाफ पे एक अपोलोजाइज भी किया है। मेरे पद छोड़ने से या मेरे समाजवादी को पद पार्टी को छोड़ने से यह समस्या अगर हल हो जाए तो ज़रूर मैं छोड़ दूँ, लेकिन जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ रह कर मैं आवाज़ उठाऊँ और अपनी पार्टी के भीतर आवाज़ उठाऊँ, और इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट्स आए उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाऊँ वो
मुझे ज़्यादा सही लगता है। बाकी क्योंकि ऑलरेडी मैं इन सब की निंदा कर चुकी हूँ पब्लिक डोमेन में ऑन टेलीविजन चैनल्स कर चुकी हूँ, तो मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में ना गैर जिम्मेदाराना बयान दे ना ऐसी कोई हरकत करे जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुँचे, ये एक एजेंडा होना चाहिए और सभी पार्टियों को निंदा करनी चाहिए। मुझे ठीक है, आपने कहा कि आपने निंदा की है लेकिन निंदा कर देने से काफी होता है। आई अग्री विथ यू मैम कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में होना जरूरी होता है, लेकिन सिस्टम की सफाई नाम की चीज होती है। अबू आजमी फिर बेधड़क कोई बयान दे देंगे, क्या एक्शन आपकी पार्टी ने लिया है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन आप रंजीत जी आप भी बता दीजिए। जी परमेश्वर गृहमंत्री है कर्नाटक के, साहब कहते हैं युवाओं की न सिर्फ सोच पश्चिमी है बल्कि उनका पहनावा भी पश्चिमी है, कुछ गड़बड़ियां होती है, कुछ लड़कियों से छेड़खानी होती है, ऐसी चीजें होती रहती है, ये तो उनके पहनावे की वजह से है। आपने उनको फोन करके क्या इस पर आपत्ति दर्ज की या कांग्रेस में इस आपत्ति को दर्ज किया कि साहब इस तरीके से नहीं चल पाएगा? ये कौन होता है महिलाओं पर ऐसे बयान देने वाले? देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दूसरे वजह से देना चाहूंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत पार्टी में हैं, इवन इन मैं कहूंगी कि इस मुद्दे पे कांग्रेस में भी मे भी हो सकते हैं एक दो लोग। ये ऐसे लोग किसी पार्टी के नहीं होते हैं, ये बीमार लोग होते हैं और इनसे बहस करने से ज़्यादा जरूरी है कि हम उस जड़ पर जाएं कि आखिर आज की जो जनरेशन है वो अपनी लाइन को दिनों दिन पार क्या क्यों करती चली जा रही है। निर्भया का कांड हुआ, इतना सारा लोगों ने आंदोलन किया, कई लाख लोग बाहर आ गए, लोगों को गुस्सा आया, लगा कानून बदला, लेकिन क्या वजह है कि उसके बाद और रेप बढ़ गए और छेड़खानी बढ़ गई? मेरे ख्याल से त्रुटि हम सब में है, जनप्रतिनिधि, समाज, थाना, कानून, जुडिशरी, सबको अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। और रूबी जी इसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कि क्या कोई भी हाँ, तो ये मुद्दा आप लोगों के लिए क्यों नहीं होता है? पॉलिटिकल पार्टीज के घोषणा पत्र में सिर्फ वादे ही क्यों होते हैं? मैं इसका भी जवाब लूंगी, लेकिन नुपुर जी महेश शर्मा केंद्रीय संस्कृति मंत्री, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कह दिया था। उन्होंने ये कह दिया कि स्कर्ट मत पहनिएगा, जो सैलानी विदेशी आते हैं वो इस तरीके के कपड़े ना पहने अगर सुरक्षित रहना चाहती है। आपने क्या किया था तब? नहीं, मैं एक बात बता दूं तो देयर इज अ डिफरेंस। उन्होंने एक एडवाइजरी में कुछ नया इंक्लूड नहीं किया, ये पुरानी एडवाइजरी चलती आ रही है फॉर फॉरेन नेशनल्स के यहाँ पे आइए, सो बी केयरफुल ऑफ हाउ यू ड्रेस, बिकॉज इसमें माफी चाहती हूँ तो इसमें हमारी सरकार की नहीं मानसिकता लेकिन हमारे जो अभी आप वीडियोज देख रहे हैं या हमारे देश के जो लड़के हैं जो समझते हैं कि भैया कानून क्या चीज, कचहरी क्या चीज और पुलिस क्या चीज, जिसको चाहे मुंह पे किस कर दो, जिसको चाहे चूटी मार दो, जिसकी चाहे स्कर्ट खींच लो, ये उनके खिलाफ एक व्हाट यू कॉल एक डायरेक्शन निकला था और अभी नहीं पहले से निकलता आ रहा है, ये नया नहीं था, ये क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहती हूँ। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मैंने सबसे पहले शुरू की थी ये बात कह के कि भैया ये जो हमारे राजनेता हैं वो ये निंदनीय बयान ना दें ऐसे वारदातों पर तो इनकी बेहतरी में होगा। मैं क्यों कह रही हूँ, जब हमारी पार्टी के यूपी के एक नेता ने ऐसा बयान दिया था हम यूपी के एक महिला नेता के लिए, तो हमने उन्हें एक्सपेल किया, सस्पेंड नहीं। लेकिन जब उन्हीं महिला नेता की पार्टी के एक आदमी ने उनकी 12 साल आवाज चली गई आपकी, अब मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से पहले राजू राज के पास चले जाते हैं, वहां पर उनके साथ वो लड़कियां मौजूद है जो अब तो शायद सड़क पर निकलने से पहले 10 बार सोचती होंगी। राजू राज, बार बार ये कहा जा रहा है कि मुद्दा उठना चाहिए, मुद्दा जो है वो पुलिस स्टेशन तक पहुंचना चाहिए, सच बताइए इतना आसान होता है पुलिस स्टेशन पहुंच जाना? ये हकीकत है, मैं बहुत प्रैक्टिकली आपसे पूछ रही हूँ। देखिए पुलिस के पास इतना आसान नहीं है कि लड़कियों के लिए वो ऐसे मामलों को लेकर तुरंत पुलिस के पास जाए, क्योंकि वहाँ भी एक तरह से आप समझ लीजिए रूबिका कि मजाक उड़ाया जाता है, इसलिए लड़कियाँ नहीं आती हैं सामने में। इस केस में भी ऐसा हुआ कि जिन लड़कियों के साथ ये भद्दा मजाक किया गया वो अभी तक कंप्लेनेंट नहीं बनी है, पुलिस के पास नहीं पहुंची है, यही एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और जो बदमाश हैं बेखौफ ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। हमारे साथ कई सारी लड़कियां हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है। मैम आप बताइए कि क्या राय है, एक छेड़छाड़ किया जाता है उसे प्रैंक का नाम दिया जाता है और सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं तो इसके लिए अवेयरनेस करनी चाहिए, या फिर जो रेपिस्ट है या फिर जो मोलेस्टर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट आप ये बताइए कि पुलिस पे कितना भरोसा है और कितना जरूरी होता है कि आप लड़कियां जाती हैं कंप्लेन करने के लिए। बेसिकली पुलिस पे भरोसा था जब तक ये बैंगलोर वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था। हम इंश्योर कर सकते थे कि हाँ पुलिस हमारे साथ है, लेकिन जिस जो ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। इवन पुलिस मैन वर नॉट विद द गर्ल्स। कितना मुश्किल होता है पुलिस के पास जाना? पुलिस के पास जाना जितना मुश्किल होता है उससे ज़्यादा मुश्किल होता है कि ये सोच बदली जाए कि सारी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। आसपास के लोग क्राइम होता हुआ देखते हैं पर नोबडी टेक्स एन एक्शन, नोबडी सेंसिटाइज टुवर्ड्स द इशू। सबको लगता है पार्टी चल रही है तो एक लड़की ने हल्का सा डांस कर दिया तो ये मैं आई एम एंटाइटल्ड टू टच हर। दिस इज नॉट ट्रू एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। आप बताइए कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह के एक्शन लेना चाहिए? आई थिंक दिस पर्टिकुलर पर्सन जो लड़कियों को ऐसे किस कर रहा है, सबसे पहले तो इसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ये भी समझना ज़रूरी है कि सोसाइटी में जहाँ पर अगर हम लोग निर्भया केस में भी देखें तो अगर आप उनका रेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तो वो बोल रहे हैं कि कैसे वी केम फ्रॉम अ सोसाइटी वेयर लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। एंड हमारे अभी अभी MP ने भी बोला तौर पर, रूबिका आप सुन लेते हैं, ये यूथ की आवाज़ है, कहते हैं कि लड़कियों की आवाज़ कहीं ना कहीं दबाई जाती है, लड़कियों को ही दबाया जाता है, ये इनकी राय है।